ये हुआ पंचम के मुलायम बालों का बलिदान। भाई गंजे, मतलब भाई मैं क्या कह रहा हूँ ना, तेरा सिर जो है ना एकदम वैसा लग रहा है जो रूमाली रोटी सेंकने वाला तवा होता ना, बिल्कुल वैसा लग रहा। तू कहे तो एक दो रोटी सेंक लूं। अबे साले, तेरी से कहीं ना कर दूं मैं, सब तेरी वजह से हुआ है, समझा? अरे मेरी वजह से कैसे हुआ है? बात कर रहा फालतू गंजे, मतलब फालतू बात कर रहा यार तू। भाई मैंने क्या किया? तेरे बालों ने तेरा साथ छोड़ दिया, बेवफा निकले वो, मुझे फालतू में लपेटे में ले रहा है। बकवास मत कर, तूने सेठ जी को वो बाल उड़ाने वाली क्रीम फेंकी थी और हमने जाके मल दी। उनके तो बाल गए सो गए, हमारे भी बाल उड़वा दिए उन्होंने। अच्छा लग रहा, बोल रहा हूं, अब मत करियो। मैं क्या कर रहा हूं भाई, देख बहुत अच्छा हुआ गंजा हो गया तू, अभी क्या तबला नहीं लेना पड़ेगा, इसी बजा लेंगे हैं। मैंने कुछ नहीं, जीजा जी छत पर है। नहीं लहसी जी, जीजा जी छत पर नहीं है, वो अपने बालों का श्राद्ध करने यमुना जी गए हैं। मुझे तो लगता है ना कि आपके बालों को मेरी नजर लग गई है, किसी कूद कूद के उस दिन तारीफें मार रही थी मैं आपके बालों की। एलाइची जी आप तो फालतू बात करिए ही मत, ये बाल काटने का सारा आइडिया आपका ही था। क्या? हाँ तो अगर आपके बाल कटने का ऑर्डर नहीं देती ना मैं, तो आपका पत्ता ही कट हो जाता यहाँ से। यार कुछ भी मत बोलो जीजा जी, और आप इतना नाराज नहीं हो, टोपी लाई हूँ, ले लो सोनू दे दे। ले लो जीजा जी। इलायची जी अब तुम्हें टोपी पहनाएंगी, पहन लो कंजे पे। इलायची जी थैंक यू। इट्स ओके जीजा जी, वैसे ना मन में एक बात है जो मन तो नहीं कह रहा कहूं, लेकिन फिर भी कह ही देती हूँ। आप ना बड़े भद्दे और गंदे से लग रहे हैं बिना बालों के, मतलब इतने गंदे लग रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब देखने का मन नहीं हो रहा आपकी तरफ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार, टंटे गंजे हो रखे हैं। ओ माय गॉड, चल सुनो। अरे लाची की माँ, चाय ना पिलाएगी क्या आज? लाची के पापा, ये बार बार ना बहाने से मुझे अपने सामने मत बुलाओ, मुझसे नहीं देखा जाता, मेरे तो भागे फूट गए। आंखों में पट्टी बांध ले, पति तो बदलने से रही तू, बात कर रही है बेकार की। जी जी ओ जी जी ओ जी 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 ओ जी जी ओ जी जी पक्चुक पक्च पक्चुक पक्च भाव अपना कल कुछ 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 जी जी पूरी हमदर्दी है मुझे तुम्हारे साथ में, सोचे ही नहीं था कि जीजा गंजे होकर इतने भद्दे लगेंगे। यकीन न मानोगे, जब भी मैं इनकी चांद की तरह देखता हूँ तो मेरी आंखों में खड्डे होने लगते हैं, यकीन न मानना। अबे ओए, तू भूल ले आ, बुरी तरीके से भूल ले आ है कि तू कबड्डी के उस पाला में है, क्या अगर मैं तुझे छू दूं ना तो तू आउट होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा घर से। बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा, अपना गुस्सा छटक की भैया पे क्यों निकाल रहे हो? ना गुस्सा ना निकालना, हमारे बालों को देख के जल रहे हैं। हाँ भाई, क्या हो रहा है? दो दो टकले। क्या हो गया? किसी पहलवान की छाती की तरह आप सभी की आंखें क्यों चौड़ी हो रही हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, आपके बालों को क्या हो गया? जी हुआ कुछ नहीं है, दरअसल बात ये है कि पिंकी जी ने अपनी प्रमोशन के लिए अपने बाल जो है ना वो मंदिर में चढ़ा दिए। अच्छा। उसी का तो प्रसाद लेके आए इधर। आपने कौन सी मन्नत मांग ली? अरे दरोगा जी पूछिए मत, अरे किसी घटिया आदमी की नजर लग गई मेरे बालों पे। बाल उगाने वाली क्रीम की जगह
बाल उड़ाने वाली क्रीम लग गई। कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रही हो सेठ जी? अरे अपने घर की खेती है, फिर से उग जाएगी, उसमें क्या हो रहा है? अरे वो नहीं, अपना छोटे छोटे है ना, वो भी गंजा हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं। क्या? मैंने पंचम के भी बाल उड़वा दिए। अच्छा वो भी हो गया, ये तो बहुत सही बात हो गई। मतलब आप समझ लीजिए कि खूब जमेगा रंग जब इकट्ठे हो जाएंगे कुछ टकले। मेरे तो भाग्य फूट गए। मैं बता रही हूँ सेठ जी, इसको पकड़ के इसको भी टकला कर देते। क्या देख रही हो? अरे मजा आया, एक मिनट। कैसा मजा? बहुत बढ़िया, एकदम सुर में। आपका ये स्केल हो रहा है सी? हाँ एक मिनट देखो, मेरे देखो थोड़ा कस लो। कसो? कसे? हाँ। कसने का कहाँ से होता है? पीछे हो ये। पीछे? हाँ। कहाँ? ए टकले! अरे डॉक्टर साहब! अरे डॉक्टर साहब! अरे डॉक्टर साहब! अरे क्या हुआ? अरे राका भाग गया। अरे मैं पूछता हूँ, राका यहाँ से भागा कैसे? ताला तोड़ के। अगर उसको आपको भागते हुए देखना है ना, तो सीसीटीवी फुटेज में देख लीजिए। अरे बकवास मत करो, आखिर तुम्हारे रहते उसने ताला तोड़ा कैसे? अरे मेरे रहते अगर उसने ताला तोड़ा होता तो मैं आपके सामने जिंदा खड़ा होता। मैं यहाँ बगल में सोया हुआ था, तभी वो भागा है यहाँ से। अरे तुम समझ नहीं रहे हो कि कितनी बड़ी अनहोनी हो गई है। अरे अनहोनी नहीं हुई है, देखिए ना मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। अरे तू तो जिंदा बच गया, पर चांदनी चौक के बाकी गंजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर साहब इसका मतलब कि कोई भी गंजा बाल बाल नहीं बचेगा। इलायची जी, जीजाजी आप यहाँ? जीजाजी नहीं, आप हमें पंचम कह सकती हैं, और अगर आपको और भी ज्यादा प्यार आ रहा हो तो आप हमें पंचू कह सकती हैं। इलायची जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी जी कहिए ना, मैं वेटिंग। इलायची जी, आज हम आपको वो कीमती चीज देना चाहते हैं जिस पे आपकी हमेशा से नजर थी। हाँ? हम आपको आज्ञा देते हैं कि आप जैसे चाहें हमारे बालों के साथ खेल सकती हैं। इलायची जी, ये बाल आपके हैं, जो चाहे कर लीजिए। जीजा जी ने छेड़ा? अरे छेड़ दे तो ठीक होता है यार, लेकिन सुनो, मैं ना उनके कोमल बालों से यूं खेल रही थी, अपनी उंगलियां फिरा रही थी, और हाथ फिराते फिराते उनके सारे बाल ही मेरे हाथ में आ गए यार। इतने गंदे लग रहे थे ना, ऐसा लगता तो कोई फिल्म का विलन मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझे खूर रहा है। यार अच्छा खासा प्रपोजल चल रहा था, लेकिन विग बीच में आ गई, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। मैं बहुत ही बुरा सपना था, नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इनो सपना खत्म हो गया, अब मत डर। अरे यार पर मैं जीजी को गंजा नहीं देख सकती बिना बालों के। तो तू एक काम कर, तू मेरी हालत सोच। मैं पिंटू भाभी को रोज देखती हूँ ना वो गंदी सी चोटी के साथ, है कि नहीं? तू रहने दे, तेरे लिए तो अच्छा है ना, तुम लोग एक दूसरे की जुल्फों के साथ यूं खेल सकते हो, नाप सकते हो कि लो मेरी चोटी लंबी तेरी चोटी लंबी। पर मेरा क्या सोचा है कभी? इलू ओपोजिट ना अट्रैक्ट करता है, देख तेरे लंबे लंबे बाल, जीजा जी गंजे, कितने अच्छे लगेगा ना। तू नमक मत रगड़ मेरे जले पे, मैं बता रही हूँ बहुत मारूंगी मैं। और क्या पिंटू भाभी की क्या जरूरत थी हेयर रिमूवल क्रीम पकड़ाने की? तू अच्छा कुछ पिंटू है ना उसके अंदर, उसे भी बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, लड़की बना दे उसे। सब तेरी वजह से, तेरी वजह से। ले 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 सबको गंजा कर दे, पिंटू को भी गंजा कर दे, टिंकू को भी गंजा कर दे, और उसे भी गंजा कर दे, सबको गंजा कर दे। यार सब शाकाल लगेंगे, नहीं अच्छा लगेगा। चुप कर, गंदा ह्यूमर लेके टहल रही है। सॉरी जाया से। हाँ भाई छोटे,
क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आओ आओ दरोगा जी, आज क्या बात है, नाइट ड्यूटी लग गई क्या? इसका मतलब ये हो रहा है कि घर में खाना कोई और बना रहा है? अरे ना ना छोटे, पिंकी जी खाना बना के आ रही है। पता है तुझे, आज पिंकी जी ने बनाया वो भरवी भिंडी और लौकी के कोफ्ते। वाह 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 दरोगा जी, कमाल की चीजें बन, मतलब मुंह में पानी आ गया सुनते ही। एक काम करो ना दरोगा जी, आप उसमें चले जाओ, वो टीवी में आता खाना बनाने वाला कोई प्रोग्राम आता ना, बस वहाँ अपनी कलाकारी दिखाओ ना। मतलब पिंकी जी तो दिखा देंगे अपनी कलाकारी वहाँ पर, इधर ड्यूटी कौन बजाएगा? तू? दरोगा जी की बात कहूँ क्या, आपसे ड्यूटी तो वैसे भी ना बजती, प्रेशर कुकर की सीटी बजती है बस। छोटे थोड़ा ज्यादा फ्री ना हो रही है तू पिंकी जी के साथ है? मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम पास ना हो रहा है, हैं? एक एक बाजी हो जाए, आ जाओ। अरे ठीक है चल, बाट बत्ते बाट। रात को जागने वाले सभी उल्लुओं का स्वागत है। अभी अभी आई ताजी खबर के हिसाब से मेंटल अस्पताल से एक बहुत ही खतरनाक सरफिरा राका भाग गया। राका को गंजों से सख्त नफरत है। सुनते हैं कि गंजों को देखते ही वो नोच देता है, जैसे चील अपने शिकार को नोचती है। सरकार की तरफ से चेतावनी है कि सारे गंजे अपने घरों में ही रहे, और अगर बाहर किसी काम से निकलना पड़े और राका सामने आ जाए तो उसके सामने एक टांग पर कूदना शुरू कर दे। वो आपको भी एक पागल समझकर खुश हो जाएगा और शायद आपकी जान बख्श देगा। इसका मतलब जब तक आपके पाँव चलेंगे आपका गंजा सर सलामत रहेगा। जनहित में जारी। आपके भी बांटू क्या? हाँ जी, आपकी तारीफ पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे चुप, दो गंजे। आई हेट गंजा, मुझे गंजों से सख्त नफरत है। दरोगा जी, ये रेडियो वाला राका, मुझे भी वही लग रही है। वही राका? रा रा रा। इतना सा राका? हम का भैया, सुनो जा, ये खा लो। नहीं नहीं खा क्या लो, है जाता थे ये खा लो। हाँ कौन? राका, अब मैं ही डालूंगा तुम्हारी जान पर टाका। वन टू थ्री। किसी को गंजे से क्या तकलीफ हो सकती है? क्या हुआ? क्या हुआ? छोटे, इस कैक्टस के साथ ये क्या करने वाला होगा? दरोगा जी, है? समझ तो मैं पूरा गया, लेकिन मेरे मुंह से बोलना फूट रहे हैं, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही है कि मैं आज की बात बैठ ना पाऊंगा। अरे सुन टनाटन। सेठ जी पंचम। अरे आ जो भी है सुन तो, वो शर्मा क्या तुझे डिलीवरी करनी थी, कर दी तूने? हाँ सेठ जी, डिलीवरी तो कर दी हमने, पर जो वहाँ की जो सेठानी जी थी ना, उन्होंने हमारी बड़ी बेइज्जती की। कैसे? अरे कुछ नहीं, कहती जा भी टकले, जाके धूप में जाके अपना माथा सेक ले, दो चार रोटियां उतार लेती हूँ तेरे तवे से, और उसके बाद ना हम पे हंसने लग गई, ऐसे ऐसे करके लोटपोट होने लगी। अरे इलायची, तू यहाँ क्या कर रही है? कभी कभी स्कूल की सड़क भी देख लिया कर, वरना भूल जाएगी स्कूल, स्कूल कहाँ है? पापा प्लीज, मेरे पास इतना मुफ्त का टाइम नहीं है कि इधर उधर घूमती फिरती रहूं। और चीजा जी यार, आधे ग्राहक ना ये आपका आपका गंजापन देख के भाग जाएंगे। और दुपट्टा डालो यार अपने सर पे, मतलब पता नहीं एकदम इतने गंदे से लग रहे हो, आंखों में ना तिनके कितना छुपे जा रहे हो इतनी देर से। अच्छा, जीजा जी से बात करने की बड़ी फुर्सत मिल गई तुझे यहाँ? फुर्सत नहीं है,
आपके काम के लिए आई हूँ। वो विग वाला है ना बाबू, वो विग बना के देगा, मतलब जैसे आपके पुराने वाले थे बिल्कुल वैसी, सेम टू सेम। पैसे लगेंगे 2000। अच्छा, कभी ये मत कहियो कि पैसे ना लगेंगे, काम फ्री में हो जाएगा। जब तक तू मेरा गल्ला हल्का ना कर ले, चैन का पड़ता है तुझे। तू भी रात बात कर रही बेकार की। विग चाहिए, दोगे पैसे? कितने चाहिए? दो। दे। अरे यार, अरे अरे तुम तो, अरे इलायची। हाँ ले। अरे क्या बात है भाई जीजा जी, बड़े पैसे बांटे जा रहे हैं भाई। भाई हम भी खड़े हैं कतार में, हमें सिर्फ 5000 रुपए चाहिए तुमसे। बहन तेरी औकात 200 रुपए की ना है, और दिमाग चराने का ना है, और बात कर रहा है 5000 रुपए की। चल बे। थोड़े से पैसे मांगे मैंने तुमसे, तुम्हारी दुकान अपने नाम ना कर रहा हूँ जो इतना भला कर रहा है, और 5000 रुपए तो तुम्हारे बाएं हाथ का महल है, ऐसे निकाल के दे दोगे हमें? कौन? मैं महला कुचाला ही ठीक हूँ, और तुझे तो एक फूटी कौड़ी ना दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। अरे अरे सेठ जी, क्या हो गया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे अरे दरोगा जी, अबे छोटे, ये तुम दोनों कहां से ठोक के आ रहे हो? सेठ जी कुछ मत पूछो। हाँ, शहर में ना एक बहुत ही खूंखार सरफिरा आ गया, नाम क्या? राका। राका आ गया सेठ जी, कल ही मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया और हमसे टकरा गया, मतलब हम लोगों से टकरा गया। क्या बात कर रहा है तू? सही कह रहा हूँ सेठ जी, कसम से कह रहा हूँ, गंजों को देखते मतलब ऐसा आग बबूला हो जाता है, कुछ ना देखता, फिर आओ ना देख, कुछ ना देखता। क्या लिए था वो कैक्टस? कैक्टस पौधा था, कांटे वाला। कांटे वाला। हाँ, गमला लिए था सेठ जी। ऐसी सजा देता है गंजों को देख के, मैं बता नहीं सकता। उसने हमें बैठने लायक नहीं छोड़ा, लेटने लायक नहीं छोड़ा, कुछ ना कर पा रहे। कुछ भी नहीं, अभी भी कैसे बैठे हमसे पूछो। छोटे जी, दरोगा जी, कोई तो तरीका होगा बचने का? नहीं, तरीका मतलब ऐसा है कि देखिए, बचने की गारंटी ना दे रहे पिंकी ये, पर हाँ एक चीज हो सकती है भाई। क्या? एक बात है, उसको देखो ना कहीं तो एक टांग उठा के ना यूं ऐसे कूदना शुरू कर लो, तो कूदते रहोगे ना तो उसको सर फिरे को ऐसा लगेगा कि ये कूदने वाला भी सर फिरा है, तो हो सकता है वो छोड़ दे, वरना तो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है दरोगा जी, कैसी बात कर रहे हो? उसको सेठ जी, मैं देख के कूदा, इतनी देर तक कूदा, कुछ मत पूछो, फिर भी मुझे गमले में बिठा दिया। वो इसलिए बिठा दिया क्योंकि कूदना बंद कर दिया इसने और मैंने भी। कूदना ना बंद करना, याद रखना ये बात, जैसे देखो कूदते रहो, बस कूदना बंद हुआ तो गमला। अच्छा, आपना अपना ध्यान रखना सेठ जी, वो राका जो है वो आपके सर पे कभी भी डाका मार सकता है। बचपन से दिल्ली में रह गया हूं। छोटे चलो मुझे पकड़ के ले चला गयो। चलो चलो सेठ जी, ध्यान रखियो, बहुत खतरनाक है वो राका। आजा ये मुझे भी हाथ दे दे। आजा, हम तो ये दुपट्टा निकलने ही नहीं देंगे। सुन जी, अब क्या होगा सेठ जी? बस पता नहीं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा, बस बच के रहिए राका जी से। इलायची के पापा, एक बात कहूँ तुमसे? एक बात बताऊँ तुझे? तूने शादी के बाद पहली बार इजाजत मांग रही है कुछ कहने के लिए, दिल जो है धड़क रहा है, बता क्या बात है? इलायची के पापा, बात भी दिल धड़काने वाली है। क्या? पहले ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था। हाँ। पर अब तुम्हारे चेहरे की जो चमक है ना, जो तुम्हारे पूरे सर तक फैल गई है, इसे देख के मुझे ना कुछ कुछ होने लगा है। अच्छा, पता क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई नया आदमी आया है। क्या बकवास कर रही है तू? बोलने से पहले को सोच लिया था कर, कुछ भी बोले जा रही है, मुंह खोल लिया, कुछ भी बोले जा रही है। इलायची के पापा, मैंने ना तुम्हारा नाम तक सोच लिया है। क्या? बनवारी।
सन अपनी जबान को लगाम दे। मोहल्ले में बहुत सारे गंजे घूम रहे हैं, मुझे ना पता था कि चमकती चांद को देख के तू ऐसे फिसल जाएगी। बात कर रही बेकार की। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, किसी भी गंजे को देख के फिसलने वाली नहीं हूँ मैं। मैं तो सिर्फ अपने इस गंजे पे फिसली हूँ। इलायची के पापा, शादी के इतने साल बाद है ना, पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ फिर से भाग जाओ। गंजा मैं हुआ हूँ और दिमाग जो है तेरा फिर गया है। बात कर रही है बेकार की। कहीं कहीं घूम रहा हूँ, कहीं भाग जाऊं। अरे मर गए भैया, कौन कमबख्त यहाँ पे छिलका फेंक के चला गया। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं राका बोल रहा हूँ। तू मुरारी बोल रहा है? गंजा मुरारी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.